हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस और आईएफएस के इंटरव्यू सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज एक और सफल विद्यार्थी, जी हाँ, सीएसआईआर नेट रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आप देख रहे होंगे लगातार कई सारे विद्यार्थी, कई सारे सफल स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं और हमारे साथ न सिर्फ जुड़ करके वो अपने एक्सपीरियंसेस हमसे साझा कर रहे हैं, आप सभी के साथ भी ये सारी जानकारी, ये सारी जरूरी इंपॉर्टेंट, सारी जरूरी बातें जो एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के हो सकती है, टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं, प्रिपरेशन के दौरान आने वाले अलग अलग फेजेस के हो सकती हैं, वो सभी को हमारे साथ साझा कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप भी इन सारी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और लिख करके रखेंगे, ना सिर्फ लिख करके रखेंगे, फॉलो भी करेंगे। तो आइए इंट्रोड्यूस करते हैं आज के ऐसे ही स्पेशल गेस्ट का, जिनका नाम है विभू मिश्रा जी और इन्होंने रिसेंट जो अभी जून 2023 का एग्जाम हुआ है उसके अंदर सफलतापूर्वक, इनकी रैंक अगर आप सुनेंगे तो बहुत बढ़िया सा नंबर है, 123 जीआरएफ इन्होंने क्वालिफाई कर लिया और फाइनली आज वो हमारे साथ हैं और अपने प्रिपरेशन की जर्नी को आप सभी के साथ, हमारे साथ साझा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि कैसा लग रहा है एग्जाम क्वालिफाई करके, फिर आगे की बातें होंगी। ओके सर, नमस्कार। मेरा बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं लाइव बात कर रहा हूँ अभी, कभी भी मुझे विश्वास नहीं मुझे कभी कॉल आएगा, ऐसे मुझे पूछा गया कैसा हुआ आपका प्रिपरेशन क्या है, मुझे अभी विश्वास नहीं हो मैं क्वालिफाई हो गया, तो सच में हुआ या नहीं मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है। बट इमरा सब परिश्रम एंड सर की वजह से हुआ है, आईफेस्ट के जितने भी टीचर में जिसके साथ मेरा कंटेक्ट हुआ है उनके जरिए ही हुआ जो भी हुआ है सर। चलो बहुत बढ़िया, और ऐसे ही होता है जब हम लोग कोई चीज अचीव कर लेते हैं ना तो बिलीव नहीं होता कि हमने किया है क्या, और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ, जब तक वो क्वालिफाई नहीं होता तब तक उनको डाउट बना रहता है कि नहीं मुझसे शायद ही होगा, शायद ही होगा, फिर क्वालिफाई होने के बाद भी भरोसा नहीं होता कि हाँ मुझसे ही हुआ है क्या, कहीं किसी और का मैंने स्कोर कार्ड तो नहीं देख लिया। अरे भाई आपका ही है, आपने ही मेहनत की है और आपने ही सब कुछ किया है, सो डेफिनेटली इट इज योर रिजल्ट और आपको एंजॉय भी करना है। और अब इन सभी चीजों में जो है आप एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ चुके हो क्योंकि आप इस एग्जाम को सफल कर चुके हो, अब आपका रोल थोड़ा बढ़ गया, जिम्मेदारी बढ़ गई है उन लोगों के लिए जो लोग इस एग्जाम के लिए सोच रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज हम इसी जिम्मेदारी को यहाँ पर पूरा करें। बाकी डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी आपको कई सारे ऐसे जूनियर्स मिलेंगे जिनको आप गाइड करेंगे, वो भी अपने जीवन में सफल होंगे, लेकिन फिलहाल हमारे वो सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सारे व्यूवर्स, वो सारे एस्पायरेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको लेकर के हम कुछ बातें करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, छोटा सा एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए फिर हम आगे शुरुआत करते हैं। सो इंट्रोड्यूस करिए अपने। ओके सर, मेरा नाम देव प्रसाद मिश्रा हूँ एंड मैं नयागढ़ उड़ीसा से हूँ। मैं 2021 में गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी से, उड़ीसा का संबलपुर से हूँ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है एंड मेरा प्रिपरेशन 2020 से शुरू हुआ था और आज 2023 जुलाई का खत्म है सर। एंड इसके बाद इसके अंदर में मैं जब ग्रेजुएशन ज्वाइन किया था तभी मुझे नेट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर के बाद मुझे पता चला नेट के एग्जाम के बारे में। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो ऐसे ही कि क्या सिलेबस है क्या है, उसके बाद मैं सेकेंड सेमेस्टर से ही प्रिपरेशन शुरू किया था सर। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एग्जाम है, इस एग्जाम के बारे में पता चला कैसे, लाइक आपने कहा कि सुना आपने, बट कैसे, कोई सोर्स, कोई फ्रेंड, कोई टीचर, कोई तो होगा जिसने आपको बताया होगा कि ऐसा भी कोई एग्जाम होता है सर। एक्चुअली मेरा 2000 मैं प्लस टू के बाद मैं 2000 मेडिकल प्रिपरेशन कर रहा था, वो मेडिकल कुछ मार में वो भी नहीं होगा। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन ज्वाइन किया तो जूलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था इसलिए मैं ज्वाइन किया, मुझे कुछ भी पता नहीं था इन लाइन के बारे में, कुछ भी पता नहीं था, बट फर्स्ट ईयर में जब ज्वाइन किया वो भी ऐसे ही चला गया, बट सेकेंड ईयर में जब आया तो वही मेरा सीनियर जो थे सुपर सीनियर
उन्होंने बात की कि एक ऐसा ही एग्जाम है जो क्वालिफाई करने के बाद आपको पीएचडी एंड लेक्चरशिप की बार हो सकता है। ऐसे ही उन्होंने जस्ट मुझे इन्फॉर्म किया था, बट मुझे कुछ भी ऐसे पता नहीं था फर्स्ट ईयर के बाद। बट मैं जब थर्ड ईयर में हुआ तो उस समय मेरा सीनियर का वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन में जानकारी थी, वो उन्होंने क्लियर कर लिया था सर। तो मैं, अच्छा आपको क्लियर हो गया ना? हाँ हो गया है। तो उनका एलएस क्लियर हुआ था, तो मैं जब ज्वाइन किया था मैं भी ऐसे ही करूँगा, क्योंकि मुझे और कोई लाइन के बारे में कुछ मैंने मुझे इतना अच्छा नहीं था। मुझे टीचिंग बारे में मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था डॉक्टर करने के लिए, बट वो तो हो नहीं पाया। उसके बाद में टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट था, तो मैं यही समझा और ज्वाइन कर लिया। तो सुपर सीनियर जो थे उन्होंने बहुत इसके बारे में बताया, तो मैं नेट में भी सर्च किया क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ही हम तीन चार फ्रेंड थे जिसके जो इस लाइन में जाने से बहुत इंटरेस्ट थे, तो ऐसे ही मिलके प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था सर। राइट, चलो तो बढ़िया है। तो वैसी ही जर्नी जैसी शायद आप में से कई सारे विद्यार्थियों की है कि हमें पहले तो पता चला कि ऐसा कोई एग्जाम होता है, और फिर पता चला कि इसके ऐसे फायदे भी होते हैं, फिर हमने सोचा कि चलो दे ही देते हैं, और फिर जब सोचा कि दे ही देते हैं तो तैयारी करने के बारे में आपके दिमाग में बात जरूर आई होगी, है ना, कि अब दे देते हैं तो लेकिन देना क्या है, पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, अब आगे की ये सारी चिंताएं शुरू हो जाती है। तो अब आपकी लाइफ में विभु, आपकी लाइफ में जब ये प्रिपरेशन को लेकर के बात आई, तो शुरुआती दौर कैसा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसको लेकर के कुछ है तो बताइएगा। सर फर्स्ट में तो मैं जब ज्वाइन किया तो उन्होंने बताया फॉरेन मेथड फॉलो करना है, बायोकेमिस्ट्री के लिए हो, डेप बायो के लिए हो, सब फॉरेन मेथड फॉलो करना है। उसके बाद में समझा तो ये सब फॉलो करने से ये तो कंप्लीट करने के लिए तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा, तो मैं मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट किया करूंगा। तो वो बहुत टफ था। तो मैं बुक भी खरीद लिया, बायोकेमिस्ट्री का लेनिंजर खरीदा था, डेप बायो भी खरीदा था, बट वो खत्म करने के लिए साहस नहीं था, कुछ ही पेज ऐसे ही हुआ था। उसके बाद में एक आईएफएस के बारे में, तभी मुझे 2020 में ऐसे ही अच्छे से नहीं पता था सर। मैं जब ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में जन किया 2019 to 2021, मुझे आईएफएस के बारे में से कुछ उस समय कुछ पता नहीं था। तो मैं जब 2000 इंस्टीट्यूट में ऐसे ही मैं ज्वाइन किया था सर, वहाँ सर मैं कुछ चैप्टर एंड ऐसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था, मैं कंप्लीट भी नहीं था। बट 2021 में जब एग्जाम हुआ, नवंबर का एग्जाम था, मैं ऐसे ही गया था एंड मेरा स्कोर वहाँ इस टाइम 84% था सर। तो उसके बाद मैं ऐसे ही प्रिपरेशन कर रहा था उसके उस इंस्टीट्यूट के बारे, उसके अलग इंस्टीट्यूट था सर। तो मैं जब 2022 फरवरी में एग्जाम दिया तो मेरा स्कोर था 104 एंड मेरा परसेंटाइल था 96.53%। उस टाइम कटअप था लेस का 97.01, तो उस टाइम भी नहीं हुआ। तो उसके बाद में मेरा एक जो मैं दो हम दो फ्रेंड एक साथ में मिलकर प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसने बताया कि तेरे में तो उसका क्वालिफाई हो गया था सर। तो उसने बताया कि तुझमें तो कुछ ही तो कमी है, इसलिए तो तू तू आईएफएस जॉइन कर। ओके ठीक है, आईएफएस के मैं फुल डिटेल निकाला क्या है कैसे। तो मैं केसी सर का वीडियो ऑलरेडी मैं जब गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो केसी सर का बायोकेमिस्ट्री जो वीडियो यूट्यूब में था वो कंप्लीट कर लिया था सर। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं वो मेरा मैंने बायोकेमिस्ट्री का केसी सर का जो भी पार्ट है ना, वो मुझे इतना अच्छा लगा। तो मैं इससे भी सब फुल कोर्स मिलता है रिकॉर्डिंग में, वो बोला हाँ मिलता है, तुम बात करो और ले जाओ। उसके बाद मैं 2022 फरवरी के बाद में आईएफएस जॉइन किया। उसके बाद मेरा बर्थडे को जो मेडल 14 एंड 15 को वो मुझे बुक ही गिफ्ट दिया था सर प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसे ही 2022 के फरवरी के बाद मेरा आईएफएस से जुड़ना हुआ एंड मेरा जो जो वीक पॉइंट था मैं बहुत अच्छे अच्छे टीचर से वो कंप्लीट हो गया। मेरा आज मैं जो पोजीशन में हूँ उसके लिए वो बहुत उनका हिस्सा है सर मेरा लाइफ में। ओके तो चलिए, बड़ी लंबी और मैं कह सकता हूँ कि बहुत
ऐसी जर्नी है जो आपको तो शायद लगे कि ठीक है आपके साथ बहुत समय लगा आपको उस स्थान पर पहुंचने के लिए, लेकिन ये पूरी जर्नी जो है ना, ये जो जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बहुत काम की है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, हम डिसीजंस लेते हैं, कई बार डिसीजंस में हमें किसी वजह से जो है कह सकते हो कि फेलियर भी हाथ लगता है, लेकिन ठीक है, फेलियर अपनी जगह है, कोशिश अपनी जगह है, लेकिन अगर कई बार निराशा हाथ लगे तो रुकना नहीं है, है ना, आप कोशिश करते रहें, कई सारे सोर्सेस हैं, कई तरीके हैं, आप अपना जो है इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट के बारे में सोचते रहें, करते भी रहें, लेकिन फाइनली कभी न कभी ऐसा फेज जरूर आएगा, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो सफलता भी आएगी साथ में आपके, और डेफिनेटली आपको थोड़ा सा वक्त लग गया हम तक पहुंचने के लिए, सबसे पहले एफएस तक पहुंचने के लिए, और जुड़ने के बाद अगर हमारी तरफ से, हमारी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ और आप फाइनली इस एग्जाम में सफल रहे, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो भी विद्यार्थी हम तक आता है उसको हम कोशिश करते हैं, निराश ना हो, और हो सकता है कई बार हमारी इस कोशिश में थोड़ा वक्त लग जाए, 6 महीने की बजाय कई बार ये साल भर का ड्यूरेशन भी हो सकता है, बिकॉज अगेन चीजें कई सारी हैं और बहुत सारे कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं, तो ठीक है कुल मिला करके। तो आपके साथ फाइनली आईएफएस से जुड़ना मेरे हिसाब से बढ़िया रहा, और आपने वो सारी बातें हमारे साथ शेयर भी की, और बोलते हैं आगे आपने प्रिपरेशन कर ली, आपका रिजल्ट भी आ गया, अब मैं चाहूंगा कि ना इस पूरी जर्नी में ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीजें जिनको आप बहुत हाईलाइटिंग देखते हैं या कह सकते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम या हर्डल्स के तौर पर देखते हैं, जो कि हो सकता है आपके साथ नहीं हुआ है, हो सकता है और किसी विद्यार्थी के साथ हो जो डेफिनेटली इस वीडियो को देखेंगे, तो ऐसी कोई बात है जिनको आपको हाईलाइट करना चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं उन सारी चीजों को। जी सर, प्रिपरेशन तो सब करते हैं, इसे ये में कोई बात नहीं, बट मैं मेरा प्रिपरेशन में दिल्ली 10-12 आवर में प्रिपरेशन कर रहा था सर। मेरा रिजल्ट दो टाइम मेरा जब 96.53 एंड 96.65 आया, तभी मेरा सब घर में सब ठीक ठाक थे, उन्होंने बताया प्रिपरेशन करो ठीक है, कि उसमें मेरा फ्रेंड है और मेरा फैमिली है वो सपोर्ट किए, बट वो सपोर्ट सबसे सबको नहीं मिलता है सर, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बट फर्स्ट इज ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सर, मैं कोशिश किया, मैं प्रिपरेशन किया, 10-12 बार मैं प्रिपेयर किया, वो बड़ी बात है, नहीं हुआ तो दुनिया के बारे में कुछ भी बताते हैं, वो तुम्हारा इतना पढ़ रहे हो, नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ऐसे बताएंगे, बट मैं जो समझ रहे हूँ ना सर, वो है कि मैं कर रहा हूँ वो मैं समझ रहा हूँ, वो सबको समझना है कि वो कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंट रहे कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ, वो जो जब हो जाएगा ना, जितना भी जो सुना है वो कुछ नहीं है सर उसके आगे में। तो भाई कुल मिलाकर मैं सबको इग्नोर किया, जो भी मेरा मेरे जर्नी में बहुत बहुत जरूरी है सर, अपने ऊपर भरोसा रखने के बहुत जरूरी है सर, क्योंकि इतना कुछ कुछ मार्क के 2-3 मार्क में मेरा कैंसिल हो गया, तो मैं समझता नहीं हो पाया नहीं, ऐसे नहीं, मैं परिश्रम किया हूं तो मुझे जरूर मिलेगा, यही कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, कोशिश करने के बाद आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, ये तो सही है, लेबर कभी वेस्ट नहीं जाता है, एक पक्की बात है सर, आज नहीं तो कल पक्की मिलेगी, आज एकदम से, तो यस, तो कोशिश करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बोलिए कोशिश करना चाहिए सर, बहुत कुछ लोग में जब सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा कम मार्क 2-3 मंथ में कट गया, तो उन्होंने बताया नहीं हो छोड़ देना चाहिए, मैं कह नहीं, मैं कोशिश किया था, मैं नहीं पाऊ तो मैं जीवन भर गिल्टी में जी लेता, वो अच्छा नहीं है, मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा, और जीत चाहिए एंड कंसिस्टेंसी चाहिए, जो भी हो जाए मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा सर। बहुत मेरी बात है कि जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो एक बात समझ लीजिए, यही बात है सर और कुछ नहीं है। बहुत अच्छे, तो मैं देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है सर, जब हम लोग कभी भी इंटरव्यूज में बात करते हैं तो ये जो चीजें निकल करके आती है ना, ये बहुत कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम किसी ऐसे विद्यार्थी को सुन रहे हैं जिसने कल ही मुझसे ये बात कही थी कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा, हम क्या करें,
ध्यान रखिएगा, ऐसी सारी स्थितियां, ऐसे सारे कंडीशंस, ऐसी सारी मुश्किलें, दिक्कतें लाइफ का हिस्सा है और आएंगी। कुल मिलाकर के आपकी सफलता इसी बात पर तय होती है कि आप में वो भरोसा, आप में वो कॉन्फिडेंस, आप में वो जज्बा है कि नहीं है। अगर आप लगे रहोगे तो कैसे नहीं होगा, इस बात का उदाहरण है विभु जो अभी आपसे बातें कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं चाहूंगा कि आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सनालिटी, कोई ऐसा जिसे आप अपने मोटिवेशन का लगातार स्रोत मानते हैं, मोटिवेशन का लगातार सोर्स मानते हैं और उसका इन्फ्लुएंस आप पर हमेशा से है और आप चाहते हैं कि शायद जीवन में उसके जैसा बन जाए तो आपका जो एम है, जो ध्येय है वो पूरा होगा। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपके लाइफ में इस प्रकार का रोल प्ले करता हो तो मैं चाहूंगा आप उसका नाम ले, क्योंकि ये बहुत सही मौका है ऐसे लोगों को, उनका जो भी पुण्य है या हम कह सकते हैं उनका जो भी हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स रहा है उसे पे ऑफ करने का, तो एक बढ़िया चांस है। मैं चाहूंगा कि आप उनका नाम लें और ऐसे जो भी लोग हैं मैं भी उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हमेशा ही हर वीडियो के अंदर इधर भी करूंगा। सो ऐसा कोई आपकी लाइफ में है जिसको आप फॉलो करते हैं, आइडल मानते हैं? सर ऐसे तो कोई बड़े मेरा माँ और पापा जो दो हैं वो मेरे लिए बहुत आइडियल, क्योंकि मेरा माँ का एक जो चीज है वो सुबह से लेकर रात तक वो सब शेड्यूल होता है कब कैसे करना है, कंप्लीट करने के बाद है वो खाने की सोने की बात सोच रहा है। इसी तरह जो भी मेरा वो बता रहा है कि तुम जो भी कर रहे हो तुम फर्स्ट टारगेट बनाओ, कंप्लीट करो, उसके बाद वो सुकून से जीने दो, उसका वही एक टारगेट था। मेरा पापा का प्रिंसिपल बहुत अच्छा था, वो दोनों ने मुझे जो भी सिखाया मैं उसके उसके जरिए ही आज इसे बन चुका हूँ सर। वो मेरे लिए बहुत कुछ है सर, मेरा पापा। सो मैं भी चाहूंगा कि भाई मेरी तरफ से बहुत बहुत, उनका नाम चिंतामणि मिश्र है सर। जी जी जी। So, मैं वही कह रहा था कि बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसा कोई ना कोई होना जरूरी है और यहाँ पर ये रोल आपके माता पिता जो हैं वो प्ले कर रहे हैं और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार का सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज आप हमारे साथ जुड़ करके या हमें आपका इंटरव्यू लेने का मौका शायद नहीं मिल पाता। तो ये वाली जो स्थिति है इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू उन सभी का। और अब लास्ट में मैं चाहूंगा कि जो भी आपकी प्रिपरेशन की जर्नी रही है, जो भी उतार चढ़ाव रहे, कुल मिलाकर के एक जो टॉपर्स टिप्स होते हैं ना उसको लेकर के आप अगर कोई लिस्ट है आपके पास, कोई जानकारी है आपके पास तो उसको समराइज जरूर करिएगा, क्योंकि आपने फाइनल एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई किया है, राइट? तो अब आपके क्या टिप्स, आपके क्या स्ट्रेटजीज, आपके क्या टैक्टिक्स हैं, उनमें से अगर कुछ बहुत काम की बातें हैं तो जरूर बताइए। सर मेरा वो टैक्टिक्स है कि मैं जो भी सर, केसी सर का एक पॉइंट है जो तुम सर सारे चीज नोट मत करो, जो चीज तुमको अच्छा लगे वही नोट करो, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जितने भी लेक्चर देते हैं शायद ही मैं सर लेक्चर इस टाइम लेक्चर में जो रिकॉर्ड लेक्चर मिला था मुझे बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, फंडामेंटल एंड यूनिट 13, ये सारे केसी सर के थे एंड विशाल सर के भी थे एंड प्रियांशु सर के भी थे, बट किसी सर के जो भी थे मैं सभी कंप्लीट किया था, मुझे लग रहा था ये तो कंप्लीट है और कुछ नहीं चाहिए, ये सारे चीज है। तो वो चीज जो भी नोट में हमको मिलता है हम बार बार वो प्रैक्टिस करने के बाद वही नोट में, तो मैं दो तीन बार वो वीडियो उसको कंप्लीट किया था सर, रिकॉर्डिंग दो तीन बार कंप्लीट किया था, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करने के गया था, जो भी मुझे मेडल मिला था वही, और पीआईक्यू सीजन एंड जो पीआईक्यू का सीजन सर मुझे मिला था 2022 में, वहां पर जो दादा साहेब सर थे दिगंबर सर के जो भी सोल्यूशन मिला था वो सर सफिशियंट थे, कोई भी पॉइंट ऐसे छुटा नहीं था जो कि मुझे क्वेश्चन करने के लिए मजबूर करे ये क्या है क्या नहीं, वो कंप्लीटली सोल्यूशन बता रहे थे। सो जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं और कोई सोर्स मुझे ढूंढना नहीं पड़ा कि इसके बारे में, तो वही कंसिस्टेंटली अब कोशिश करने के बाद एक बार में नहीं हो रहा है तो दो तीन बार वीडियो देखने के बाद वो डाउट क्लियर हो जाता है सर, तो बार बार पूछने से अच्छा है कि वीडियो बार बार देखे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे एंड पीआईक्यू सॉल्यूशन जितने बार भी प्रैक्टिस करे वो सबसे बेस्ट है सर।
ओके बहुत बढ़िया। तो यही बात है कि जितना भी प्रैक्टिस करेंगे आईएफएस के बाद तो अच्छा है सर। चलो बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें हैं इस पूरे के पूरे इंटरव्यू में से आप सभी को सीखने के लिए, जानने के लिए। अगर आप लिस्ट बनाओगे तो शायद ये लिस्ट काफी लंबी बनेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने लाइफ के उन सारी बातों को नोट कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो कि हर एक एस्पायरेंट के साथ होती है। हाँ, किसी के साथ थोड़ा कम रहता है, किसी के साथ थोड़ा ज्यादा रहता है। कुल मिलाकर के यही प्रिपरेशन की पूरी जर्नी है। और इसी के साथ सबसे पहले तो विभू को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने ना पूरा इंटरव्यू देखा है और बहुत सारी बातें सुनी और सीखी भी हैं। और इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप इस तरह के कई सारे वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे कई सारे इंटरव्यूज, कई सारी जरूरी बातें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए हम लाते रहेंगे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।